50 इयर्स तक के कैंडिडेट, 50 साल तक के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। फीस नहीं देनी है इसमें, नो फी। और फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म फिल करके बाकी अटैच करके क्रेडेंशियल्स भेज देने दिए गए एड्रेस पर। क्या क्या वैकेंसीज हैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले पीआरटी जनरल के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें ग्रेजुएट 55% या अबव मार्क्स के साथ, ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, क्योंकि पीआरटी में 1 to 5 में जो भी स्कूल लेवल में पढ़ाई होती है सब्जेक्ट, उनमें से किसी में भी ग्रेजुएट हैं और बीएड है, 50 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएड में 50% या अबव होना चाहिए। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट है, बैचलर इन फाइन आर्ट, और बहुत सारी क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है। एक्सपीरियंस प्रेफर करेंगे, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन बाद में कवर कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसीज हैं, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इतनी है वैकेंसी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स मैथ्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पीआरटी। तो पीआरटी में सभी एलिजिबल हो जाते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट नीचे नहीं मिल रहा है पीजीटी में, टीजीटी में, तो पीआरटी में तो सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट एलिजिबल हो ही जाते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल INS रजाली अराकोनम से वैकेंसीज हैं, जो कि तमिलनाडु में है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, नेवी चिल्ड्रन स्कूल INS रजाली ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर वी आर हायरिंग तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, देखें वी आर हायरिंग एंड फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। स्कूल तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जैसे इमेज वगैरह पिक्स में इन्होंने जो पिक्स लगा के रखे हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा स्कूल है। वैसे भी नेवी चिल्ड्रन स्कूल अच्छा ही रहेगा, नेवी ऑफिसर्स इसको रन करते हैं और नेवी ऑफिसर्स एंड स्टाफ, नेवी स्टाफ मेंबर्स के किड्स जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। सैलरी मेंशन नहीं किया, तमिलनाडु में है ये, और इसी में फॉर्म दिया। अभी देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, कहाँ पर भेजना है, लास्ट डेट क्या है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफिशियल वेबसाइट पर, 2 पेजेस की, इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। और राइट हैंड साइड में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिख के रखा है, वहाँ पर एक लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। पीआरटी जनरल में कोई भी बीएड कैंडिडेट जिन्होंने बीएड किया हुआ है, कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखा है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट 55% या अबव मार्क्स, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में बीएड की जरूरत नहीं होती है, और एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होती है इसमें, एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छा है। टीजीटी सोशल साइंस में बीए होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार से जो पढ़ाई करते हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और पत्राचार वाले वैसे भी बहुत जगह पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, बस इतना ही मांग रहे हैं। और सोशल साइंस जो है ना, आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 11th 12th या जूनियर कॉलेज में पढ़ा होना चाहिए। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 1 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सीटेट टेट इसमें नहीं चाहिए रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 60% 60% या अधिक अंकों के साथ में, और बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड फिजिक्स या मैथ्स जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने जूनियर कॉलेज 11th 12th एंड ग्रेजुएशन दोनों में पढ़ा हो, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट भी अच्छी है, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस देंगे, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है, आपको टैली वगैरह आता है, MS Excel और वर्ड पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर अच्छे से आप जानते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव मेंशन क्वालिफिकेशन में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, तो डाउनलोड कर लिया फॉर्म आपने, सबमिट द सेम टू द फॉलोइंग एड्रेस एंड ईमेल इट टू, तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना इस पर आप भेज दें 30 मई 2024 लास्ट डेट है, इस एड्रेस पर भेजना भी है बाय पोस्ट, और ईमेल से भी अप्लाई करना है। ईमेल से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिखना है सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीजीटी मैथ्स एट NCS अराकोनम, जो भी जगह का नाम है, सॉरी जगह का क्या नाम है, अराकोनम, हाँ अराकोनम, और फिर ईमेल से भी भेजना है। ईमेल से भेजेंगे तो आप
एक फॉर्म ही भेजना है बच्चों बस, और इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ फॉर्म मांग रहे हैं। फॉर्म में आप लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ईमेल से अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ बाई पोस्ट भी आप भेज देंगे। तो बाई पोस्ट के लिए एड्रेस दिया हुआ, इस पर आप भेजेंगे। जिस एनवेलप में आप भेजेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है बोल्ड में, कैपिटल में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक से अपना एड्रेस लिखेंगे और ये एड्रेस भी मेंशन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके इसी वेबसाइट पर आप आएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ब्लू स्ट्रिप है, उसी में यहाँ पर जो है वी आर हायरिंग फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आपको नजर आ जाएगा।